लास्ट टर्न के लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स थ्रू एनी आर्बिटेरी पॉइंट एंड अ कपल जी। कल के लेक्चर्स में आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में स्टडी कराई गई थी। देखिए, एक चीज़ तो हम आपको बता दें, ये जो मैकेनिक्स का पेपर आप पढ़ रहे हैं ये थ्रू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन दोनों में आपको मिलेगा। जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो ठीक, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको थ्री डायमेंशन में मिलेगा, जबकि अभी इस साल ये पूरा चैप्टर आपको टू डायमेंशन में मिलेगा। कल का जो लेक्चर्स आपको दिया गया था वो बेसिक लेक्चर्स दिया गया था, क्योंकि कल बेसिक की क्लास चली थी। उसमें आपको ये बताया गया था कि टू डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्डिनेट एप्सिसाई किसको कहा जाता है, और कैसे कैसे किस तरह से परपेंडिकुलर डाल करके एक्स वाई प्लेन में उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो इस थ्योरम का कल आपको दिया गया था, जिसमें थोड़ा बेसिक तरीके से इसको समझाया गया था, जिससे आपका एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर बन गया होगा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लास्ट ईयर पेपर में आपको ना मिला हो तो इस साल आप इसको मार्क कर लीजिएगा। आज हम लोग इस थ्योरम को एक बार और रिपीटेशन मोड में लेकर के आएंगे। बस आज इस थ्योरम को रिपीटेशन मोड में लाने के साथ साथ हम अपने कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक इसमें समझाने के लिए रह गया था। आपको बताया गया था कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिड्यूस्ड करना क्या होता है, सिंगल फोर्स क्या होता है, और तो और आर्बिटेरी पॉइंट भी बता दिया गया था। लास्ट टॉपिक है हमारा कपल। कपल के बारे में इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया गया था, तो आज थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कपल के बारे में दिया जाएगा। देखिए, जब भी आपके सामने कपल शब्द आए, कपल का हिंदी होती है युग्म। युग्म का मतलब होता है दो लोग, ठीक है। तो जब भी आपके सामने कपल शब्द आए, तुरंत आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हमको ये तीन चीज़ चाहिए ही चाहिए। होता क्या है, आप लोगों को टीचर्स कपल के बारे में नहीं बताते हैं, तो जब कभी इस किताब में कपल का नाम आता है तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कपल बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बन रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कपल जब भी आपके सामने नाम आता है तो तुरंत आप इस चीज़ को एज्यूम कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको होगी। जब कभी कपल की हम बात करते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे पास वो होती है टू फोर्सेस। जब भी आप कपल की बात करेंगे तो आप टू फोर्सेस लेंगे। दूसरा जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है इक्वल इन, आपको पता है फोर्स आपकी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का होना आवश्यक है, इसलिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ये हम आपको कपल बनने की रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं कि जब कभी कपल आता है या आपसे कोई सामने वाला पूछ लेता है कि भाई ये तुम सिस्टम पहचान रहे हो क्या, ये कपल है, तो किस तरीके से आप जज करेंगे कि हाँ ये हमारा कपल है, और हाउ टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। थर्ड जो हमारा प्रोसीजर होता है, थर्ड में हम कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन सिचुएटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस। अब इन तीनों पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ वो हम आपको बताने चल रहे हैं। आपने देखा, एक थ्योरम पढ़ने के लिए कितनी सारी चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है ना। ये बेसिक है, बताया इसलिए जाता है क्योंकि बहुत से बच्चे इस बेसिक को नहीं जानते, वरना मुझे क्या, मैं भी थ्योरम सीधे प्रूफ कराना शुरू कर दूं। लेकिन बताया पॉइंट टू पॉइंट इसलिए जा रहा है कि अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आगे चल करके अगर हम स्पीड भी ले लेते हैं तो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी, ठीक है। इसलिए आपको बेस समझाया जा रहा है। देखिए, टू फोर्सेस, आपको पता है किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा लाइन ऑफ एक्शन, और तीसरा उसका डायरेक्शन, या आप कह लीजिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा मैग्नीट्यूड और तीसरा डायरेक्शन। तो हमसे कहा गया कि दो फोर्सेस लीजिए, दो फोर्स, जब भी कपल की बात करेंगे आप दो फोर्स लेंगे, दो फोर्स को ले लीजिए, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। मतलब एक फोर्स अगर ऊपर होगा तो दूसरा फोर्स नीचे होगा, एक का डायरेक्शन ऊपर है दूसरा नीचे, एक राइट होगा तो दूसरा लेफ्ट होगा, मतलब हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में आप दो फोर्सेस को लेंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर हमने एक फोर्स ऊपर की तरफ ले लिया
एफ मैग्नीट्यूड का, तो दूसरा फोर्स हम नीचे की तरफ लेंगे एफ मैग्नीट्यूड का। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड एफ न्यूटन है, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वन फोर्स इन अबव सिचुएशन एंड द अदर वन इज डाउनवर्ड सिचुएशन। एक फोर्स आपका अपवर्ड काम कर रहा है, वहीं दूसरा फोर्स आपका डाउनवर्ड काम कर रहा है। दो कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करा दिया। थर्ड वन इज से लाइन ऑफ एक्शन सिचुएटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस। ये पहले वाली फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये दूसरे वाली फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे होनी चाहिए, निश्चित दूरी पे होनी चाहिए। मान ले रहे ये दूरी हमारी d है। इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये सिस्टम हमारा कपल बनाता है। तो जब भी कपल की बारी आए, तुरंत दिमाग में तीन चीज सेट कीजिए। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेज आर सिचुएटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस। जब भी कपल होगा तो ये तीन चीज़ें उसमें पाई जाएंगी, या जब कभी कपल आपको बनाना होगा तो ये तीन रिक्वायरमेंट आपको ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ये थ्योरम जो आप देख रहे हैं, इस थ्योरम के बाद तीन चार थ्योरम्स हम लोग और पढ़ेंगे, इसमें से आपको एक या दो थ्योरम पेपर में निश्चित है मिल जाता है। तो इसमें कुछ थ्योरम्स में हम कपल बनाते हैं, तो कोई चीज़ आप तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आपको ये ना पता हो कि हाउ टू मेक इट, उसको कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि हमको ये चीज़ें चाहिए, तो आप उन चीज़ों को ढूंढना शुरू करेंगे कि वो चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं। तो उस केस में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जब कभी कपल बनाना हो, या कपल ढूंढना हो, या चेक करना हो कि गिवन सिस्टम कपल है या नहीं, तो उस केस में सबसे पहले आप दो फोर्सेस ढूंढेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है। लाइन ऑफ एक्शन के बारे में आपको बताया गया था, ये वो दिशाएं होती हैं जिसमें हमारा बल कार्य कर रहा होता है। लाइन ऑफ एक्शन दोनों की एक निश्चित दूरी पर होनी चाहिए। निश्चित दूरी आपको ये दिख रही है डी। तो इस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट को हम लोग जी से दिखाएंगे यहाँ, जो मूवमेंट होता है वो किसी एक बल, दो बल है एफ और एफ दोनों बराबर है, किसी एक को पिक कर लीजिए, किसी एक बल और उनके बीच के डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। किसी भी कपल का मूवमेंट उन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी भी कपल का मूवमेंट उन दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरी बात, आपको ये बात तो पता चल ही गई कि ये जो कपल होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन को भी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब हम बात करने चल रहे हैं इसके डायरेक्शन की। ध्यान से देखिएगा, इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चूँकि कपल का काम होता क्या है, इस सिस्टम को घुमा देना। कपल का काम क्या होता है, सिस्टम को घुमा देना। मान लीजिए ये हमारी रॉड है, इसके एक हिस्से पे हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, एक हिस्से पे हमने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो ये सिस्टम इस रॉड को घुमाने का काम करता है। ठीक है, तो इस केस में जब कोई चीज़ घूमती है तो उसका डायरेक्शन घूमने से निकालते हैं। आपको पता है कि क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी हमारी क्लॉकवाइज घूमती है और घड़ी के विपरीत दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो कहा जाता है यहाँ पे कि जब भी मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव होता है, और जब वो क्लॉकवाइज होता है तो वो नेगेटिव होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमने तो बता दिया कि क्लॉकवाइज भाई नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ठीक है,
लेकिन अब मैटर ये है कि आप लोग कैसे समझेंगे कि ये किस दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि ये क्लॉकवाइज है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए उसके लिए अब देखते हैं। देखिए, जब कभी आपको इसके घूमने का सिस्टम समझना हो तो किसी एक फोर्स को पकड़ लीजिए। मान लीजिए हमने इसको पकड़ लिया, इस फोर्स को हमने पकड़ लिया, इस फोर्स को हमने पिक कर लिया। अब इस फोर्स को आप डिस्टेंस के थ्रू दूसरे फोर्स तक लेकर के आइए, इस फोर्स को आप डिस्टेंस के थ्रू दूसरे फोर्स तक लेकर के आइए। जब इस फोर्स को आप डिस्टेंस के थ्रू दूसरे फोर्स तक लेकर, इस फोर्स को पिक करके यहाँ तक लेकर के आएंगे। जैसे अगर ये फोर्स को हमने पिक किया, एक फोर्स को हमको यहाँ तक लेकर के आना है, तो हम इस डी के थ्रू लेकर के आएंगे। जब इस डी के, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक रास्ता आपका ये है, एक रास्ता आपका ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है? जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वही आपको पिक करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना लंबा हमको चलना पड़ रहा है, जबकि यहाँ इतनी डिस्टेंस ही चल करके हम सीधे यहाँ पर के आ जा रहे हैं, तो हम इस रूट को चूज़ करेंगे। अगर इस रूट को चूज़ करते हैं तो देखिए ये ऐसे बनेगा और ये हमारा घड़ी के चलने की दिशा है, मतलब क्लॉकवाइज है, तो इस कंडीशन में मूवमेंट कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए हमने एक सिस्टम ये कंसीडर किया, ये मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है, एक फोर्स एफ ये है, दूसरा फोर्स एफ ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम ये डी लेकर के चल रहे हैं। हमको ये चेक करना है कि ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। एक फोर्स को पिक कर लीजिए, इस फोर्स को हमने पिक कर लिया, पिक करके दूसरे तक जाना है, तो एक रूट हमको ये दिख रहा है, एक रूट हमको ये पूरा ऐसे घूम करके यहाँ आने तक का दिख रहा है। इसमें शॉर्टेस्ट रूट आपका ये है, तो इस रूट को ले लेंगे। जैसे ही इस रूट को लेंगे, आप देखेंगे कि ये रूट हमारा ऐसे घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मूवमेंट जब आप लिखेंगे तो प्लस एफ इंटू डी लिखेंगे, और इसका मूवमेंट लिखेंगे तो माइनस एफ इंटू डी। तो क्या कहा गया, डायरेक्शन चेक जब भी आपको करना हो कुछ मत करिए, जो सिस्टम आपको दिया गया है, मान लीजिए ये सिस्टम ही दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा और चेंज करके बनाते हैं। मान लीजिए ये सिस्टम हमको दिया गया है, ये F है, ये F है, इसके बीच की डिस्टेंस D है, हम चेक करना चाहते हैं कि ये क्लॉकवाइज मूव करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी एक फोर्स को पिक कर लीजिए, अब की बार हम इसको पिक कर रहे हैं, इसको पिक करके हमको दूसरे के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक आना है, तो एक रूट यहाँ से यहाँ तक आने का हुआ, एक रूट यहाँ से यहाँ तक आने का हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक के हेड से दूसरे के टेल तक जाना है, एक के हेड से दूसरे के टेल तक जाना है, तो ये लॉन्ग रूट दिख रहा होगा, ये शॉर्ट रूट दिख रहा होगा, और आपको शॉर्ट रूट ही लेना है। जैसे ही आप शॉर्ट रूट लेंगे, आप देखेंगे कि ये घड़ी के चलने की दिशा का रूट है, मतलब क्लॉकवाइज है, तो अगर इसका मूवमेंट निकालेंगे तो माइनस एफ इंटू डी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया कि एक फोर्स, कोई भी एक फोर्स का हेड ले लीजिए, दूसरे के टेल तक पहुँचाइए, एक फोर्स का हेड और दूसरे का टेल। जब आप हेड को टेल तक लेकर के जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक रूट लॉन्ग हो रहा है, एक रूट शॉर्ट हो रहा है। आपको शॉर्टेस्ट रूट लेना है, भाई आपको यहाँ से गोलघर तक जाना है, तो आप यहाँ से गोलघर तक जाने के लिए लॉन्ग रूट लेंगे कि शॉर्ट रूट? ऑब्वियसली शॉर्ट रूट लेकर के चलेंगे। तो शॉर्ट रूट को पिक कर लीजिए, शॉर्ट रूट को हमने पिक कर लिया, और उस शॉर्ट रूट को चेक करेंगे कि वो घड़ी की दिशा में चल रहा है या घड़ी के ऑपोजिट दिशा में चल रहा है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होगा देन वी विल टेक द मूवमेंट एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा देन वी विल टेक द मूवमेंट एज पॉजिटिव। ये किसी भी कपल के डायरेक्शन को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कपल की जब भी बात आए तुरंत दिमाग में सेट कर लीजिए, वी हैव रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स, टू फोर्सेस, सेकेंड वन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेज आर सिचुएटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पर है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कपल। कपल एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। डायरेक्शन
के लिए आपसे कहा गया यू हैव टू चेक वेदर द सिस्टम इज रोटेट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उस केस में आपका मूवमेंट नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उस केस में आपका मूवमेंट पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फोर्स की हेड को पकड़ा, एक फोर्स के हेड को पकड़ा दूसरे के टेल तक लेकर के गए, एक फोर्स के हेड को पकड़ा दूसरे के टेल तक लेकर के गए। तो दूसरे के टेल तक ले जाने में दो रूट बनेंगे, एक शॉर्टेस्ट रूट होगा एंड सेकेंड वन इज लॉन्गेस्ट रूट। उसमें से आप शॉर्टेस्ट को पिक कर लीजिए। अब वो शॉर्टेस्ट रूट क्लॉकवाइज है तो मूवमेंट नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो मूवमेंट पॉजिटिव होगा। और इस मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, जिसका मूवमेंट, हाँ आप लोग फिजिक्स में एम से क्या, हाँ एग्जैक्टली कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कैपिटल एम आगे चल करके और चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मास है उसको भी हम एम से लिखते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि एम एक्चुअली में है क्या, इसलिए हम इसको यहाँ पर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड किसी एक फोर्स को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा हमारा इस कपल के बारे में इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम अपने थ्योरम पे अप्रोच कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखवा दी जा रही हैं, लिख लीजिए। ये थ्योरम जहाँ आपने लिखा है उसके ऊपर कॉपी में ज़रा सा छोटा सा बॉक्स बना करके, इस तरह से बॉक्स बना करके लिखिए कपल, कपल लिखिए। If the two forces equal in magnitude and opposite in direction, whose line of action is situated at a fixed distance, then the system is called couple. Then the system is called couple. इसमें आपको दो सब बातें लिखवा दी गई है, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे है, तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कपल। ये कैसी क्वांटिटी है, वैक्टर क्वांटिटी, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इट इज अ वैक्टर क्वांटिटी डायग्राम बना लेते हैं। पहले में हम ये डायग्राम बनाएंगे, दूसरे में हम ये डायग्राम बनाएंगे। मान ले रहे हैं इस पे फोर्स F1, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन और ये दोनों एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड है D1। यहाँ टू फोर्सेस F2 और F2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन और एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे है D2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसके लिए G का मतलब होगा F1 इंटू D1, इसके लिए होगा G इज इक्वल टू F2 इंटू D2। चेक करिए कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, इसके हेड को इसके टेल तक लाया, एक ये इसके हेड को इसके टेल तक लाया, एक ये शॉर्टेस्ट रूट लग रहा है, इसको पिक कर लेंगे, इसको आप मिटा दीजिए। आप देख सकते हैं ये घड़ी के चलने की दिशा में है, घड़ी के चलने की दिशा में है मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होगा तो कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव। यहाँ देखिए टू फोर्सेस एक के हेड को पकड़ के दूसरे के टेल तक ला रहे हैं, हेड को पकड़ के टेल तक लाया, एक रूट ये होगा, हेड को पकड़ के टेल तक लाएंगे तो एक रूट ये होगा,
आपको शॉर्टेस्ट रूट इसमें दिख रहा होगा कि ये शॉर्टेस्ट रूट है, इसको पिक करेंगे, इसको इरेज कर दिया मैंने, ये आपके घड़ी के चलने की विपरीत दिशा है, दैट मीन्स एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज है, तुरंत इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तरीका होता है चेक करने का, ये आपका क्लॉक वाइज था इसलिए इसको हमने नेगेटिव ले लिया, ये आपका एंटी क्लॉक वाइज था इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉक वाइज। इसको बना लीजिएगा, याद रखिएगा एक के हेड को दूसरे के टेल से मैच करते हैं, एक के हेड को दूसरे के टेल से मैच करेंगे तो दो रूट दिखेंगे आपको, एक शॉर्टेस्ट रूट एक लॉन्गेस्ट रूट, उसमें से आप शॉर्टेस्ट रूट ले लीजिए। शॉर्टेस्ट रूट अगर आपका क्लॉक वाइज है तो मूवमेंट नेगेटिव होगा, शॉर्टेस्ट रूट आपका एंटी क्लॉक वाइज है तो मूवमेंट आपका पॉजिटिव होगा। और कपल को बनाने में तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, टू फोर्सेस, सेकेंड वन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, थर्ड वन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेज आर सिचुएटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक इन तीनों रिक्वायरमेंट में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो सिस्टम आपका कपल नहीं बनाएगा। तो कपल को देखना, पहचानना, जानना बहुत ज़रूरी है कि दिया गया सिस्टम कपल है या नहीं, और अगर कपल है तो हाउ टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, ये चीज़ आपको आगे बहुत काम देगा। इसलिए केवल अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें आप सीख लें, बाद में ये ना हो कि हमको नहीं आता। ठीक, ऐसे ही बना लीजिए बिल्कुल डायग्राम, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थ्योरम पे। पहले भी आपको बताया गया है कि इस थ्योरम को अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये थ्योरम मुश्किल से एक डायग्राम के साथ ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको पांच डायग्राम बता करके इस थ्योरम को प्रूफ कराया जाएगा। इसका कल एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव नोट आपको भेजा गया था, है ना, यूट्यूब पे आपको डाला गया था, लिंक शेयर किया गया था, आज इसको हम और समझ रहे हैं। बस ये कि आज थोड़ा थोड़ा इस थ्योरम को लिखवा भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमसे इस थ्योरम में क्या कहा गया है वो देखा जाए। कहा गया है पहली स्टडी जो हमारी है वो टू डायमेंशन में है। कल बताया गया था टू डायमेंशन में आप दो एक्सिस लेकर के चलते हैं, पहली एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस, दूसरी एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस, ये उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको ओरिजिन कहा जाता है, और आपको ये पता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। टू डायमेंशन में, तो टू डायमेंशन में आपके कोऑर्डिनेट लिखते टाइम दो ही एलिमेंट आएंगे, पहले वाले को आप एप्सिसाई कहते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट, भुज और कोटि हिंदी मीडियम वाले कहा करते थे। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। कहा जा रहा है आपसे कि हमने एक रिजिड बॉडी ले ली, रिजिड बॉडी के बारे में आपसे कहा गया था कि रिजिड बॉडी में आपस में पार्टिकल इतने ज़्यादा टाइड अप होते हैं कि जब भी आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगाएंगे तो वो पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होते हैं। मतलब रिजिड बॉडी का मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में इतने टाइटली रिजिड होते हैं कि उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स कितना भी लगा लीजिए लेकिन उसके शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। अब देखिए इस रिजिड बॉडी में ये हमारे ढेर सारे पार्टिकल हैं जो बहुत ज़्यादा आपस में टाइड अप हो रखे हैं जिससे इसके शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब आपसे कहा गया इस रिजिड बॉडी के ऊपर आप एन कोप्लेनर फोर्सेस लगाएंगे। एन कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब आपको बताया गया था कि सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस की जब भी बात की जाएगी तो आप सीधे नाम लेंगे एन कोप्लेनर फोर्सेस का, जहां एन हमारा नेचुरल नंबर होता है। कहा गया था कि जो भी गिनती आप करते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके की गिनती करते हैं तो उसमें 1/3, 2/3 जैसी चीज को पिक करके दूसरे फोर्स तक लेकर के आइए। जैसे ये फोर्स है, ये फोर्स हमने पिक कर लिया, पिक करके हम यहाँ तक लेकर के आएंगे तब हम देखेंगे कि क्या चीज़ हो रही है, क्या हैपनिंग हो रहा है। एक तिहाई दो तिहाई नहीं होता है, आपको बताया गया था कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी कॉपीज़ निकालिए तो कहेंगे 2 कॉपी निकालो, 3 कॉपी निकालो, 4 कॉपी निकालो, ये कभी नहीं कहा जाएगा 1/3 कॉपी निकालो, 1/5 कॉपी निकालो।
तो फोर्सेस के लिए आपको पहले ही कहा गया था कि जब भी कभी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लिखा हो तुरंत आप समझ लीजिए कि इस पे n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F3 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते इस पे n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, दैट इज Fn। जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है, n का मान जहाँ तक आपको गिनती आती हो आप वहाँ तक लेकर के चल सकते हैं, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, इस रिजिड बॉडी के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम क्या मानेंगे, देखिएगा, मान लेंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है इस रिजिड बॉडी के ऊपर, ये जिस पार्टिकल पे लग रहा है, देखिएगा थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं इस डायग्राम को, और दो डायमेंशन है, दो एक्सिस लेकर के चलेंगे, एक हमारी ये है एक्स एक्सिस, दूसरी हमारी ये वाई एक्सिस, ये हमारी रिजिड बॉडी। ठीक, अब मान ले रहे हैं इस रिजिड बॉडी के जिस पॉइंट पर फोर्स F1 लग रहा है उसका कोऑर्डिनेट है X1 Y1, जिस पॉइंट पर फोर्स F2 लग रहा है उसका कोऑर्डिनेट है X2 Y2, जिस पॉइंट पे फोर्स F3 लग रहा है उसका कोऑर्डिनेट है X3 Y3, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते जिस पॉइंट पे फोर्स Fn लग रहा है उसका कोऑर्डिनेट है XN Y N, Fn लग रहा है। इसको हम नाम देते हैं P1 का, इसको नाम देते हैं पॉइंट P2 का, इसको नाम दे रहे हैं पॉइंट P3 का, ऐसे बढ़ते बढ़ते इसको नाम दे रहे हैं हम PN का। मतलब इस रिजिड बॉडी के अंदर हमने N पॉइंट्स लिए, P1, P2, P3, डैश 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 PN, जिन पे क्रमशः फोर्स F1, F2, F3, डैश 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 F1 लग रहे हैं, ये सारे के सारे कोप्लेनर फोर्स हैं। कोप्लेनर फोर्स इसलिए आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे फोर्स इस ब्लैक बोर्ड पे स्थित है ना, ब्लैक बोर्ड आपका एक प्लेन हो गया, इस प्लेन पे ही इन सारे फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन स्थित है, इसलिए हमने इनको कोप्लेनर फोर्स कहा। इस ब्लैक बोर्ड के ही प्लेन पर इन सारे फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन स्थित है, इसलिए हमने इसको कोप्लेनर फोर्सेस कहा। अब देखिए, ये जितने भी पॉइंट P1, P2, P3, डैश 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 PN हैं, ये सब आर्बिटेरी हैं, और जितने भी फोर्स F1, F2, F3, डैश 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 FN लग रहे हैं वो भी आर्बिटेरी है। आर्बिटेरी का मतलब आपको बताया गया था कि जैसी कंडीशन P1 के साथ होल्ड होगी वैसी P2, P3, P4, PN के साथ होल्ड होगी, ये ऑटोमेटिक है, और जैसी कंडीशन F1, F2, F3 डैश डैश के साथ होल्ड होगी वैसे उसमें स्थित सारे के सारे फोर्सेस के साथ होल्ड होगी, ये ऑटोमेटिक है। तो ये आप मान करके चलेंगे कि ये सारे के सारे फोर्स भी आपके आर्बिटेरी हैं, और जो फोर्सेस जिस पॉइंट पे लग रहे हैं वो भी हमारे आर्बिटेरी पॉइंट है। आर्बिटेरी का मतलब जो कंडीशन एक पे होल्ड होगी वो ऑटोमेटिक सब पे होल्ड होगी, उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अरे भैया P1 पे होल्ड हो रही है तो क्या PN पे होल्ड होगी। P1 के लिए जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स के लिए होंगे, और P1 जैसे जैसी एक्टिविटीज़ करेगा वो सारी के सारी एक्टिविटीज़ बाकी सारे पॉइंट्स पर भी होगी, तो ये आर्बिटेरी का सेंस होता है। ठीक, अब चूंकि कंडीशन आर्बिटेरी है तो किसी एक फोर्स को आप पिक कर लीजिए, हम एक फोर्स पे काम करेंगे, हम F1 फोर्स पे काम करेंगे, तो जैसी कंडीशन F1 के लिए होल्ड होगी वैसी सब कंडीशन बाकी सब के लिए भी होल्ड होगी। जैसे जैसे वर्क और फोर्सेस F1 पे लगेगा वो सब बाकी पे भी लगेगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, आर्बिटेरी। तो अब हम काम करने चल रहे हैं केवल और केवल F1 पे, उसके लिए हमने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस माना, फिर से हमने एक रिजिड बॉडी बना दी, इस रिजिड बॉडी पे हमने एक फोर्स ले लिया F1 जो किसी पॉइंट P1 पे लग रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट X1 Y1 है। मतलब अगर हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस हमारी X1 रही होगी, और इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये डिस्टेंस हमारी Y1 रही होगी। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं M का, ये आपका P1 है ही, इसको यहाँ से एक मिला दिया, इसको नाम दे रहे हैं L का, ये हमारा ओरिजिन। क्या कहा गया कि हमने एक आर्बिटेरी फोर्स को पिक कर लिया F1 को, और F1 आपको पता है कहाँ पे वर्क कर रहा है, P1 पे। P1 जिसका कोऑर्डिनेट X1 Y1 है, P1 से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला तो ये डिस्टेंस X1 होगी, चूँकि X कोऑर्डिनेट X1 है, ये डिस्टेंस Y1 होगी चूँकि Y कोऑर्डिनेट Y1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि मैम ने क्यों आखिर
क्यों, किस रीज़न से मैम ने P1 को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर दिया। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ बताएं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है। आपको पता है प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक अकेला ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें हमारी दोनों क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो जब आप कोई भी एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिराइव करें, और जितने भी एंगल्स लेते हैं वो कोशिश करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। आपने क्या किया था, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू कहते हैं टैन थीटा होती है, थीटा क्या होता है वो लाइन प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसको आप कहते थे कि हम थीटा मानते हैं और टैन थीटा की वैल्यू एम लिखते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों क्यों? क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पवित्र माना गया है, प्योर माना गया है। जैसे आप सोचिए, आपके घर में मंदिर बना हुआ है ना भाई, सबके घर में मंदिर होता है, आपके ईश्वर वहाँ बैठे हैं, पूजा घर आप सबके घर में है, वहाँ ईश्वर बैठे हैं, फिर भी आप मंदिर क्यों जाते हैं? घर ही में पूजा कर लिया करिए, क्यों मंदिर जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ये थॉट है कि वो जगह ज़्यादा प्योर है, मतलब वहाँ पे ईश्वर की जो प्रतिमा की स्थापना की गई है वो वहाँ पे पूजा पाठ के बाद की गई है, तो वो चीज़ ज़्यादा प्योर है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से जब मैथमेटिक्स में हम लोग कोई भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं, आपने स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव किए होंगे, हमेशा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चीज़ों को प्योर मानते हैं, ये कह लीजिए कि बार बार प्लस माइनस को चेंज करने की मुसीबत ख़त्म हो जाती है। जैसे हमने एक्स और वाई को उसने प्लस ले लिया, इसमें आएंगे तो आपको पता है कि जो प्लस एक्स आप ले रहे उसको माइनस कर देना है बस, है ना, बाकी वाई एज सच रहेगा। यहाँ आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको पता है कि जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें एक्स और वाई दोनों को नेगेटिव कर देना है, और आप यहाँ आएंगे तो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जैसे लिखा है वैसे लिखे रहने दो, वाई को नेगेटिव कर देना है। तो होता क्या है कि हम लोग सारा डेरिवेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं और उस फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से ही बाकी क्वाड्रेंट में भी इक्वेशंस को लिखते हैं। इसीलिए मैंने फोर्स F1 को उठा करके यहाँ लिख दिया, चूँकि वो आर्बिटेरी है तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। स्टडी हम F1 पे कर रहे हैं इसलिए हम इसको प्योर क्वाड्रेंट में ले आए। ठीक है, तो कभी कोई पूछे कि भाई F1 तो यहाँ था, उठा के आप क्यों फर्स्ट में ले गए, तो कहिएगा मैथमेटिक्स की भाषा में फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्योर माना गया है। जिस भी चीज़ को हम डिराइव करते हैं वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं, इसीलिए हम फोर्स F1 को उठा करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आए हैं। चूँकि F1 और P1 दोनों आर्बिटेरी हैं तो F1 और P1 के साथ जो जो क्रियाकलाप होंगी वो बाकी सब फोर्सेस और पॉइंट के साथ ऑटोमेटिक हो जाएंगी, इसलिए हम उस फोर्स को उठा करके उस क्वाड्रेंट में ले आए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, हम इस क्वाड्रेंट में आ गए हैं, यहाँ पे हमारा फोर्स और ये पॉइंट आ गया है। इतनी चीज़ों को आप अब थोड़ा लिख लीजिए, फिर हम उसको आगे आपको प्रोसीजर समझाएंगे। लिखिए, प्रूफ में लिखिए। आज कहा गया था कि लिखवाते चलेंगे साथ ही साथ, क्योंकि कल आपको थ्योरम एक बार समझा दिया गया था, तो लिखते चलिए। लिखिए, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स, लेट अस कंसीडर टू म्यूचुअल perpendicular lines, let us consider two mutual perpendicular lines OX and OY axes, OX and OY axes as coordinate axes, as coordinate axes through the origin O, through the origin O. Full stop.
suppose that the system of n coplanar forces F1, F2, F3, dash dash dash, Fn, F1, F2, F3, dash dash dash, Fn, कॉमा देके लिखिएगा, acting at the point P1, P2, P3, dash dash dash, Pn, Pn, whose coordinate are x1, y1, x2, y2, x3, y3, xn, yn respectively xn, yn respectively। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाइए, फर्स्ट डायग्राम। इसमें हमने दिखाया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फोर्स कैसे कैसे लग रहे हैं। ये फर्स्ट डायग्राम आप बना लीजिए, केवल फर्स्ट। फर्स्ट डायग्राम बन गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आपको बताया गया था कि फर्स्ट डायग्राम बनाने के बाद हम इसमें से केवल एक फोर्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये आर्बिटेरी फोर्स है, तो जैसा जैसा ये वर्क करेगा बाकी के सारे फोर्स भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेंगे, क्योंकि ये आर्बिटेरी है। ये आपको बता दिया गया कि यहाँ पे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था, यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्योर माना जाता है, शुद्ध माना जाता है, और कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो सारी चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं वो उस चीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है बाकी कोऑर्डिनेट्स में। मैथमेटिक्स की भाषा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टडी करते हैं, और हमेशा डायरेक्शन ऑफ एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टडी कर रहे हैं, फिर ये फोर्स किसी और क्वाड्रेंट में अगर वैरी करता है तो क्रमशः हम एक्स और वाई को पॉजिटिव नेगेटिव करते रहते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक, अब इसके बाद से आप लोग लिख लीजिए, लेट अस कंसीडर एन आर्बिटेरी फोर्स, पैराग्राफ चेंज करके, लेट अस कंसीडर एन आर्बिटेरी फोर्स F1 एक्टिंग एट पॉइंट, यहाँ लिखा है ब्लैक बोर्ड पर देखिए, P1 ब्रैकेट में X1, Y1 सच दैट ब्लैक बोर्ड पर देखिए, आप लोगों ने 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा होगा थ्योरम ऑफ पैरेललिज्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे आपसे। देखिए, थ्योरम ऑफ पैरेललिज्म हमने लास्ट टर्म पे भी आपको समझाया था, दोबारा यहाँ समझाएंगे। थ्योरम ऑफ पैरेललिज्म में आपने पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फोर्स F लगता है तो उसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, टू डायमेंशन में दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला एक्स एक्सिस के अलोंग पैरलर होता है, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग पैरलर होता है, और इस केस में फिर एफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ये कल के बेसिक लेक्चर में इन्वॉल्व था। यदि ये फोर्स एक्स एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता हो तो थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स के बराबर होती है। क्या कहा गया कि थ्योरम ऑफ पैरेललिज्म कहता है कि अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट पी पर लग रहा है तो उस केस में उसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया जा सकता है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट अगर एक्स हो और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व पार्ट अगर वाई हो तो उस केस में जो फोर्स एफ
का मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यदि ये फोर्स F x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हो तो उस केस में थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स y बाई एक्स होती है। ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम आपको दो चीज़ें समझा रहे हैं यहाँ पे। पहले पार्ट में मैंने आपसे कहा कि अगर किसी पॉइंट P पर कोई फोर्स लग रहा है F, तो उसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, ठीक। दूसरा पार्ट, अगर x एक्सिस के अलोंग एक फोर्स हो, y एक्सिस के अलोंग एक फोर्स हो, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास करता है, जिसका मैग्नीट्यूड ये और जिसका डायरेक्शन ये होता है। मतलब हमने आपके इस थ्योरम को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम किया। पहले पार्ट में क्या कहा कि एक फोर्स था, उसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, है ना। और दूसरे पार्ट में क्या कहा कि दो फोर्स हैं जो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है, जिसका मैग्नीट्यूड इतना और जिसका डायरेक्शन ये होता है। तो हमने इस थ्योरम को दो पार्ट में रिजॉल्व किया। अगर आपके पास दो फोर्स हो तो दो फोर्स को एक फोर्स में कन्वर्ट करना आपको बता दिया, अगर एक फोर्स हो तो एक फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व करना बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक फोर्स है तो उसको आप दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर दो फोर्स है पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उनका रिजल्टेंट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड ये और जिसका डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। इसको थ्योरम ऑफ पैरेललिज्म कहते हैं। छोटी सी एक चीज़ आपको बताएंगे, इस पूरी किताब में जब आप फोर्स को लिखेंगे तो कैपिटल से लिखेंगे, ठीक। पॉइंट को लिखेंगे जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी, तो कैपिटल से लिखेंगे, ठीक। और कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हमेशा स्मॉल से लिखेंगे। मतलब मैंने बच्चों को इतना ज़्यादा इसमें गलती करते हुए देखा है कि मुझे खुद लगता है कि यार ये लिख क्या रहे हैं। जितने भी फोर्स होंगे, चाहे फोर्स के कंपोनेंट्स, दे आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल अल्फ़ाबेट, ओके। जो पॉइंट्स होंगे जैसे पॉइंट पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव एंड सो ऑन, दीज आर ऑल्सो रिटन इन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड द कोऑर्डिनेट सच दैट एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू। एक तो कोऑर्डिनेट है भैया, प्लीज़, है ना, तो हमेशा ब्रैकेट में होगा और हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखा जाएगा। तो जब आप थियोरी लिखते हैं तो ये ध्यान से सुना करिए कि आपको फोर्स कहा जा रहा है, कंपोनेंट कहा जा रहा है, पॉइंट कहा जा रहा है या कोऑर्डिनेट कहा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया करिए। अदरवाइज वो आपका पूरा का पूरा थ्योरम कट हो जाएगा, क्योंकि आपकी नज़र में तो आपने कैपिटल स्मॉल की गलती की है, लेकिन मेरी नज़र में तो अगर आपने स्मॉल लिख दिया तो वो कोऑर्डिनेट बन गया, भले ही वो फोर्स क्यों ना आप लिख रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ का बेसिक ध्यान रखा करिए। हमको लगता है कि हम अपने नोट्स में वो चीज़ें भी इंक्लूड करते चल रहे हैं कि हमको लगता है जहाँ आप गलती कर सकते हैं वो चीज़ें हम नोट्स में इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत से लोग पढ़ाते हैं लेकिन वो आपको ये माइन्यूट चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि उनको बताने में शर्म लगती है कि ये सब क्या बताना, और हमको लगता है सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है, ठीक है। तो ये माइन्यूट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको कॉपी पे कहीं कॉर्नर में नोट डाउन कर लीजिए कि ये चीज़ें हैं और किसको कैपिटल से लिखना है, किसको स्मॉल से लिखना है। 8-10 बार लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट P1 पे एक फोर्स लग रहा है F1, तो अगर कोई एक फोर्स हो तो उसके आप दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल, दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल। चूँकि ये फोर्स F1 है तो इसका एक कंपोनेंट मैंने बना दिया X1 एक्स एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट बना दिया मैंने Y1 जो कि Y एक्सिस के पैरेलल है। ये थ्योरम ऑफ पैरेललिज्म का यूज़ करके किया गया है कि अगर किसी पॉइंट पे कोई फोर्स लगता है, देन वी कैन रिजॉल्व दिस फोर्स इन टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज पैरेलल टू X एक्सिस एंड सेकेंड वन इज पैरेलल टू Y एक्सिस। अगर कोई भी एक फोर्स आप ले रहे हैं जो किसी पॉइंट पे काम कर रहा है, तो उसको दो कंपोनेंट्स में आप डिसॉल्व कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। चूंकि ये फोर्स F1 था तो हमने एक एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स X1 ले लिया और दूसरा फोर्स हमने Y1 ले लिया है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं मेंशन कराने जा रही हूँ, लिखिए, हाँ लाइन चेंज करके लिखिएगा। कहाँ तक लिखा आप लोगों ने?
हाँ पी लिखे नीचे से, सपोज दैट, सपोज दैट द रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्स F1 comma parallel to x axis is capital X1, resolved part है इसलिए capital X1, and parallel to y axis is capital Y1, and parallel to y axis is capital Y1, full stop. Second diagram बनाइए, ये वाला. हो गया सेकंड डायग्राम. अब कल आपको जो हम एक शॉर्ट नोट भेजे थे उसमें आपको ये बताया गया था शॉर्ट नोट में कि अब हम क्या करेंगे, X1 और Y1 को बारी बारी से कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, O पर. शिफ्टिंग का तरीका आपको कल बताया गया था कि जब हम X1 को O पे शिफ्ट करेंगे, X1 को जब O पे शिफ्ट करेंगे तो क्या काम करेंगे, और फिर जब Y1 को O पे शिफ्ट करेंगे तब क्या काम करेंगे, ये आपको बताया गया था. चलिए अब हम शिफ्टिंग का प्रोसीजर करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. देखिए ये आपका वापस से वही X एक्सिस, ये हमारा Y एक्सिस, हमने एक रिजिड बॉडी को बना लिया, ये हमारी रिजिड बॉडी हो गई, ठीक है. ये ओरिजिन है O, हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, ये पॉइंट है हमारा P1 जिस पे कोई फोर्स हमारा काम कर रहा है F1. इसके दो कंपोनेंट हम ले चुके हैं, एक ले चुके हैं X1 और दूसरा है Y1. इस प्रोसीजर में हम X1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे. जब आप X1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करिएगा तो ये बात एकदम भूल जाइएगा कि आपके पास Y1 है, इसीलिए हम Y1 को डॉटेड लाइन से बना रहे हैं जिससे कि वो आपके अजम्पशन से भी थोड़ा दूर रहे, इसको आप इमेजिनरी भी मान सकते हैं Y1. ये सब बातें कल आपको समझाई गई थी इसलिए आज हम बहुत समय इस पर ख़राब नहीं कर रहे हैं, बस नोट्स के साथ आपको बताते चल रहे हैं और लिखवाते चल रहे हैं. क्या कहा गया, F1 के X1 कंपोनेंट को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, ओरिजिन पे. तो इस केस में हमने Y1 को ये मान लिया कि Y1 नेगलेक्ट है, Y1 एग्जिस्ट करता ही नहीं है. अगर P1 का कोऑर्डिनेट हमारा X1 कॉमा Y1 था तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, पीछे नाम दिया था M का, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, नाम दिया था N का. इस केस में आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी X1 कहलाएगी और ये वाली डिस्टेंस हमारी Y1 कहलाएगी, ठीक है. ये डिस्टेंस हमारी X1 हो गई और ये डिस्टेंस हमारी Y1 हो गई, हमने इस तरीके से इसको बना दिया. अब देखिए इस X1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जब X1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे तो ओरिजिन पे दो बराबर और विपरीत फोर्स को ड्रॉ करेंगे, दो बराबर और विपरीत फोर्स को हम ड्रॉ करेंगे. X1 को जब ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे तो ओरिजिन पे दो बराबर और विपरीत बलों को हम शिफ्ट करेंगे. जैसे मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, एक जनी इस पेन को इधर से खींचे, एक जनी इस पेन को इधर से खींचे, तो ये पेन अपनी जगह से कभी भी मूव नहीं करेगा. जितना फोर्स इधर लगाया गया इधर खींचने के लिए, जितना फोर्स इधर लगाया गया इधर खींचने के लिए, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो. तो ठीक यही काम यहाँ किया गया है, X1 को ओरिजिन पे लाने के लिए ओरिजिन पे हमने X1 के ही दो बराबर और विपरीत बलों को बना दिया. X1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए हमने X1 को ओरिजिन पे दो बराबर और विपरीत बलों को बना दिया.
चूंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनल रिजल्ट में हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इस कारण से हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। भाई जैसे आपके पास कहीं लिखा होता है x, आप लिखते हैं प्लस टू माइनस टू, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, लेकिन ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो जाती है। तुरंत आप यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, इसको अलग ब्रेक करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में खूब किया था, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रिजल्ट भी जनरेट कर देता है, ठीक है। तो सेम यही काम कि यहाँ पे हमने दो बराबर और विपरीत बलों को डिफाइन किया है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, कपल ढूंढते हैं। कपल ढूंढने का काम देखिए, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, हम कपल ढूंढा रहे हैं, आपको देखिएगा एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है। कपल के लिए आपसे कहा गया था टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, टू फोर्सेस, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मैग्नीट्यूड एक्स वन, इसका मैग्नीट्यूड एक्स वन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक आपका राइट है एक आपका लेफ्ट है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में एक फिक्स डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस क्या है हमारी y1, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक कपल बनता हुआ आपको दिखा, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैज अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो इस केस में ये पूरा सिस्टम एक कपल बनाएगा और बचा कौन बेचारा, ओ पे काम करने वाला ये वाला फोर्स, है ना। तो हुआ क्या, जब हमने x1 को ओरिजिन पे शिफ्ट किया तो हमको एक फोर्स मिला, आ फोर्स x1 किस पॉइंट पे वर्क कर रहा है, एक्टिंग एट ओ, एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन, और दूसरा हमको एक कपल मिला जिसका मूवमेंट हम निकालने चल रहे हैं। मूवमेंट जी से रिप्रेजेंट करते हैं किस फोर्स के कारण, एक्स वन या जी वन, जी वन का मतलब एक्स वन के कारण मिलने वाले फोर्स का कपल इज इक्वल टू, क्या बताया गया था मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, एक फोर्स को पिक कर लीजिए, दोनों बराबर है किसी को भी ले लीजिए, हमने x1 को ले लिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिएगा एक कैपिटल एक स्मॉल है, फोर्स कैपिटल, डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट स्मॉल। अब चेक करना है कि ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए हम रफ पे आ रहे हैं। ये रहा x1, ये रहा y1, और ये रही दूसरा फोर्स x1। कहा गया था डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक के हेड को पकड़ो और दूसरे के टेल तक जाओ, इसके हेड को पकड़ा, इसके टेल तक गया, एक बार यहाँ तक आएंगे, हेड को पकड़ के टेल तक आएंगे, एक बार यहाँ तक आएंगे, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा दिख रहा है, ये वाला, शॉर्टेस्ट रूट को पिक कर लीजिए। शॉर्टेस्ट रूट घड़ी के चलने की दिशा में है, घड़ी के चलने की दिशा में है मतलब क्लॉक वाइज है, तुरंत इसका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो हुआ क्या, ये सिस्टम जैसे ही ओरिजिन पे शिफ्ट हुआ ये अपने आप में एक कपल बनाने लग गया, फोर्स F1, जैसे ये पेन है मेरे पास, ये F1 है, दो हिस्सों में तोड़ दिया X1 और Y1, तो अब कहीं आपको F1 दिख रहा है नहीं। तो होता क्या है, एक फोर्स F1 दो हिस्सों में टूट चुका X1 में और Y1 में, तब आप इस बेचारे को आप भूल जाइए, है ना, ये पेन था दो हिस्सों में टूट गया X1 और Y1, F1 तो बचा ही नहीं, तो उसको अब आप भूल जाइए। उसमें से मैंने किसको कंसीडर किया, X1 को, X1 को कहाँ शिफ्ट किया, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए दो बराबर और विपरीत बल बना दिए हमने, ठीक, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने देखा ये और ये सिस्टम मिलकर के एक कपल बना दिए जिसका मूवमेंट ये आया, एंटी क्लॉकवाइज था, सॉरी क्लॉकवाइज था तो हमने नेगेटिव लगा दिया, और एक केवल ये फोर्स बच गया जिसको हमने यहाँ लिख दिया। तो ओरिजिन पे शिफ्ट करने के कारण हमको ये रिजल्ट मिला। अब सेम यही प्रोसीजर जो आपने x1 के लिए किया है,
अब ये सेम प्रोसीजर हम वाई वन के लिए करेंगे। वाई वन के लिए करने के लिए फिर वही चीज़, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक। हमारी ये रिजिड बॉडी है, ये ओरिजिन है, कोई पॉइंट पी वन था जिस पे लगने वाला फोर्स एफ वन था, इसके दो कंपोनेंट बनाए एक्स वन और वाई वन। अब की बार हमको ओरिजिन पे वाई वन को शिफ्ट करना है, इसलिए एक्स वन को हम भूल गए, उसको डॉटेड लाइन से बना दिया। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन हो तो यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला एम, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला एन, इसकी डिस्टेंस होगी एक्स वन और ये डिस्टेंस हमारी होगी वाई वन, ये पीछे आपको बताया गया है। अब की बार हमको किसको शिफ्ट करना है, एफ वन को शिफ्ट करना है, सॉरी वाई वन को शिफ्ट करना है। वाई वन को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ओरिजिन पे दो बराबर और विपरीत बल ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन पे दो बराबर और विपरीत बल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये रहे, चूँकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये किसी भी फोर्स को किसी पॉइंट पे शिफ्ट करने का तरीका होता है। जैसे अगर हम इस फोर्स को जो इस पे लग रहा है यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसी मैग्नीट्यूड का दो फोर्स हम ड्रॉ करेंगे, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, उस केस में वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई भी रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कपल ढूंढा जाए, कपल के लिए कितने फोर्स चाहिए, दो ढूंढिए। एक तो ये रहा हमारा वाई वन जिसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, किस डायरेक्शन में है ये, ऊपर। दूसरा नीचे वाला ले लीजिए, ये रहा नीचे वाला फोर्स, ये रही उनके बीच की डिस्टेंस, मिला कपल। ये और ये टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये कपल बनाएगा। बच गया कौन, ये बेचारा कहाँ पे काम कर रहा है, ओ पे, किस दिशा में, ओ वाई की दिशा में। लिख लीजिए अब इसको, आफोन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ वाई डायरेक्शन। एक तो आपको ये फोर्स मिल गया, दूसरा अब हम जो को जो कपल रिजेनरेट होता हुआ दिख रहा है, इस कपल के मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे। इस कपल का अगर मूवमेंट निकालेंगे तो G इज इक्वल टू, मूवमेंट के लिए आपको बताया गया था एक फोर्स लेते हैं और दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस को लेते हैं। तो फोर्स है हमारा वाई वन और दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है वो क्या है, एक्स वन। ध्यान रखिएगा कौन सा कैपिटल में लिखाएगा कौन सा स्मॉल में, फिर से बता दे रहे हैं कंपोनेंट्स और उसके फोर्स ये हमेशा कैपिटल में लिखवाते हैं, पॉइंट को इंडिकेशन जिससे आप करते हैं वो कैपिटल में लिखाता है और किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा स्मॉल से लिखाता है। अब देखिए इसका डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाए, एक फोर्स हमारा ऐसे है, दूसरा फोर्स हमारा इधर की तरफ है। कहा गया इसका डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि एक के हेड को पिक कर लीजिए और दूसरे के टेल तक लेकर के जाइए। हमने इसके हेड को पिक किया और इसके टेल तक लेकर के गए, इसके हेड को पिक किया और इसके टेल तक लेकर के गए। अब उसमें से आपको शॉर्टेस्ट रूट चूज़ करना है। अगर आप शॉर्टेस्ट रूट चूज़ करते हैं तो मेरे हिसाब से दिस वन इज़ द शॉर्टेस्ट रूट। अगर ये शॉर्टेस्ट रूट है तो आप देख सकते हैं दीज मूव इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंड इफ द फोर्स टेकन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हियर वी यूज द सिंबल इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आपने देखा क्या कि जब आपने फोर्सेस को ओरिजिन पे शिफ्ट किया तो ये जो फोर्स हमारा था ये पूरा का पूरा चेंज कर गया, किसमें, अ फोर्स एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन एंड अ कपल विथ मूवमेंट जी वन, ठीक। यहाँ पे आ फोर्स वाई वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ वाई डायरेक्शन एंड अ कपल विथ मूवमेंट जी वन। अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंड करेंगे। भाई आपके पास ये फोर्स एफ वन था, तोड़ दिया आपने एक्स वन और वाई वन में, फिर जोड़ दीजिए एक्स वन वाई वन को, एक्स वन वाई वन को फिर हम जोड़ेंगे तो क्या मिल गया हमको, एफ वन। तो ठीक F1 को चेंज किया X1 में, F1 को चेंज किया Y1 में, दोनों को कंबाइंड किया तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, F1। जैसे ही रिजल्ट को कंबाइंड करेंगे रिजल्ट भी किसके लिए मिल जाएगा, F1 के लिए मिल जाएगा।
तो जब आप रिजल्ट को कंबाइंड करेंगे तो ये तो एस सच जो लिखा है लिखा जाएगा, ये एस सच जो लिखा है लिखा जाएगा, इसको और इसको जब कंबाइंड करेंगे तो कहेंगे ये x1 के कारण मिला था, ये y1 के कारण मिला था, x1 y1 को कंबाइंड किए तो f1 के कारण मतलब फर्स्ट इंडेक्स के कारण मिलेगा। क्या मिलेगा? कंबाइंड करेंगे तो कैपिटल y1 इंटू स्मॉल x1 माइनस कैपिटल x1 इंटू स्मॉल y1, ये हमारा मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या किया गया? सबसे पहले हमने फोर्स F1 को लिया, F1 के दो कंपोनेंट बना दिए X1 और Y1। X1 के लिए अलग से एनालाइज किया रिजल्ट को, Y1 के लिए अलग से एनालाइज किया रिजल्ट को। X1 के लिए जो रिजल्ट आए हमने उसको यहाँ लिख लिया, Y1 के लिए जो रिजल्ट आए हमने उसको यहाँ लिख लिया, फिर फाइनली X1 और Y1 को कंबाइंड कर दिया। तो जैसे ही आप X1 और Y1 को कंबाइंड करेंगे दोनों के रिजल्ट कंबाइंड होंगे और रिजल्ट जो कंबाइंड होकर के मिलेगा वो F1 का रिजल्ट होगा। तो अब हम फाइनली कह सकते हैं कि F1 की वजह से जब F1 फोर्स रिजिड बॉडी पे हम लगाते हैं तो वो टूट जाता है एक फोर्स X1 में जो OX डायरेक्शन में काम करता है, एक फोर्स Y1 में जो OY डायरेक्शन में काम करता है और एक कपल G1 में इक्वल टू वाई वन डॉट एक्स वन माइनस एक्स वन डॉट वाई वन हो जाएगा। ठीक है, ये कंबाइंड मूवमेंट कहलाता है आपका, जो फोर्स एफ वन की वजह से हमको कपल का मूवमेंट मिलेगा। अब इस चीज को लिख लेते हैं, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। नाउ इन ऑर्डर टू शिफ्ट द फोर्स, Now, in order to shift the force x1, now in order to shift the force x1, x1 acting at p1 at point O, एट पॉइंट ओ, मतलब हम जो फोर्स x1 p1 पे लग रहा है उसको कहाँ शिफ्ट कर रहा है, ओ पर, ओ कॉमा इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस x1 x1 वन यहाँ देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे x1 एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन एंड ओ एक्स डैश डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली एंड ओ एक्स डैश डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। हमने ओ पे दो फोर्स इंट्रोड्यूस किया x1 और x1, एक ओ एक्स के डायरेक्शन में, ओ एक्स डैश के। ब्रैकेट में लिखिए दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द बॉडी, दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द बॉडी। क्यों? क्योंकि भाई दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं, दोनों बॉडी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं डालेंगे। अब देखिए ये वाला डायग्राम आप एक बार बना लीजिए फिर मैं बता रही हूँ। बनिए आगे लिखिए, नाउ द फोर्सेस ये वाला x1 एक्टिंग एट p1, नाउ द फोर्सेस x1 एक्टिंग एट p1
एंड द फोर्स एक्स वन एक्टिंग एट एम acting at M makes a couple with movement जी एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स वन इंटू वाई वन. एक्स कैपिटल है, वाई स्मॉल है. जी इज इक्वल टू माइनस एक्स वन इंटू वाई वन. एंड वी लेफ्ट विथ अ फोर्स एक्स वन. लेफ्ट का मतलब बचा होना. वी लेफ्ट विथ अ फोर्स एक्स वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन. एंड वी लेफ्ट विथ अ फोर्स एक्स वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन. Along OX direction, line change करके. Thus, we have two forces. पहला point डाल के लिखिए. A force X1 acting at O along OX direction. A force X1 acting at O along OX direction. दूसरा, a couple with movement. ये लिखिए. आगे ब्रैकेट में लिखिएगा in clockwise direction. ठीक है. अब सेम हम लोग यही प्रोसेस किसके साथ करेंगे? y1 के साथ. फिर नीचे से लिखिए पैराग्राफ चेंज करके. नाउ इन ऑर्डर टू शिफ्ट द फोर्स y1 एक्टिंग एट p1 on origin O, comma, we introduce two equal and opposite forces. Y1 at O along OY direction. Y1 at O along OY direction and OY dash direction. डायग्राम बनाइए.
हो गया। फिर नीचे से लिखिए दस टू फोर्सेस वाई वन एट पी वन, वाई वन एट पी वन एंड वाई वन एट ओ एंड वाई वन एट ओ मेक्स अ कपल ऑफ मूवमेंट, मेक्स अ कपल ऑफ मूवमेंट। ये नीचे से लिखिए जी वाई वन इज इक्वल टू प्लस वाई वन इंटू एक्स वन। हो गया। एंड देन वी लेफ्ट, एंड देन वी लेफ्ट विथ अ फोर्स, एंड देन वी लेफ्ट विथ अ फोर्स वाई वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ वाई डायरेक्शन। वाई वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ वाई डायरेक्शन। नीचे से लिखिए हैंस द सिस्टम इज रिड्यूस्ड इन टू फोर्सेस, हैंस द सिस्टम इज रिड्यूस्ड इन टू फोर्सेस। पहला पॉइंट अ फोर्स वाई वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ वाई डायरेक्शन, अ फोर्स वाई वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ वाई डायरेक्शन। दूसरा अ कपल विथ मूवमेंट, अ कपल विथ मूवमेंट जी वाई वन इज इक्वल टू प्लस वाई वन इंटू एक्स वन। जी वाई वन इज इक्वल टू प्लस वाई वन इंटू एक्स वन, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइंड करके ये रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, नीचे से लिखिए हैंस द फोर्स, हैंस द फोर्स एफ वन, हैंस द फोर्स एफ वन एक्टिंग एट ओ, एक्टिंग एट हैंस द फोर्स एफ वन एक्टिंग एट पॉइंट पी वन, हैंस द फोर्स एफ वन एक्टिंग एट पॉइंट पी वन कैन बी रिड्यूस्ड इन, कैन बी रिड्यूस्ड इन। लिखिए कैन बी रिड्यूस्ड इन, पहला पॉइंट फोर्स एक्स वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन। दूसरा आ फोर्स वाई वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ वाई डायरेक्शन। फोर्स वाई वन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ वाई डायरेक्शन। थर्ड आ मूवमेंट विथ कपल, विथ कपल जी वन इज इक्वल टू वाई वन एक्स वन माइनस एक्स वन वाई वन। एक्स वन वाई वन आपको पता है फोर्स एफ वन आर्बिटेरी है, जो प्रक्रिया फोर्स एफ वन के साथ होगी वही सब फोर्स एफ टू एफ थ्री एफ एन के साथ भी होगी। नीचे से लिखिए सिमिलरली द फोर्स एफ टू,
Similarly, the force F2 acting at point P2, acting at point P2, can be reduced to, पहला पॉइंट लिखिए, a force x2 acting at O along OX direction, a force x2 acting at O along OX direction, दूसरा a force y2 acting at O along OY direction, a force y2 acting at O along OY direction, a force y2 acting at O along OY direction, तीसरा a couple with movement, a couple with movement g2 is equal to y2 x2 minus x2 y2, capital small देख करके लिखिएगा, y2 x2 capital है, ये दोनों small है, नीचे से लिखिए, hence in this way we can see that, hence in this way we can see that the force f1 comma f2 comma f3 comma dash 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 fn, f1 comma f2 comma f3 comma dash 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 fn acting on the body is equivalent to the forces, acting on a body is equivalent to the forces. देखिए पहले सारे केसेस को अगर आप देखेंगे तो आपसे क्या कहा गया कि मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, a force x1 acting at O along OX direction, a force x2 acting at O along OX direction, ठीक इसी तरह a force acting at O along x3 along OX direction, a force acting xn acting at O along OX direction, ठीक है. अब इन सब का जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू, सारे फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही है, लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है, तो इन सबको ऐड कर दिया जाता है और ये आपको ये देगा, ठीक है. y की बात करेंगे तो सबका दूसरा पॉइंट अगर आप पढ़ें तो पहले वाले में कह रहा है आप फोर्स y1 एक्टिंग एट O अलोंग OY डायरेक्शन, आ फोर्स y2 एक्टिंग एट O अलोंग OY डायरेक्शन, आ फोर्स y3 एक्टिंग एट O अलोंग OY डायरेक्शन, आ फोर्स yn एक्टिंग एट O अलोंग OY डायरेक्शन, सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइन ऑफ एक्शन एक ही है तो ये भी मिल जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn, ठीक है. और रही बात मूवमेंट की तो सबके कपल को ऐड कर देंगे, दैट इज g इज इक्वल टू g1 प्लस g2 प्लस g3 प्लस डैश 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 प्लस gn, तो कुल मिलाकर के मिलेगा g इज इक्वल टू समेशन, ये सब ऐड होगा, आएगा वाई आई एक्स आई माइनस एक्स आई वाई आई, जहाँ आई की वैल्यू 1 से n तक होगी, है ना. सबको ऐड करेंगे, ये होगा, ये ऐड होगा, तीसरा ऐड होगा, तो सब में केवल इंडेक्स का चेंज है, इसलिए इंडेक्स की जगह i लिख दिया है और i की वैल्यू कहाँ तक होगी, 1 से n तक होगी. लिखिए, हैंस इन दिस वे वी कैन सी दैट All the forces F1, F2, F3, dash 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 Fn acting on the body is equivalent to the forces. ये x is equal to, पहला पॉइंट, x is equal to x1 plus x2 plus x3 plus dash 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 xn acting at O along OX direction, acting at O along OX direction. दूसरा
वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस डैश 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 वाई एन एक्टिंग एट ओ अलोंग ओ वाई डायरेक्शन अलोंग ओ वाई डायरेक्शन. तीसरा एंड अ कपल ऑफ मूवमेंट एंड अ कपल ऑफ मूवमेंट ये जी वाला सेक्शन ये दोनों लाइन बस यहाँ तक उतार लीजिए बाकी नेक्स्ट चलते हैं.